आजि मु आपन मानक संगे शेयर करबे को जाउछ नाड़ी रेसिपी जोटा कि बहुत कम समय रे एवं बहुत कम जिंस रे प्रस्तुत हे जिवो जोटा कि आपन मंदिर रे साधारणता डाली तरकारी बेसर महुर डालमा इत्यादि खाइथिबे सेथरे एही बोली नाड़ी व्यवहार होय एवं खाइबा पई एटा बहुत टेस्ट लागे। त चालन तो देखिनो बा आजिर रेसिपी। नाड़ी बनेबा पई हमको ए सब सामग्री दरकार। तो मुझे नहीं कि अरुआ चाउल अरुआ चाउल को आपण मैंने देखी पारे मुझे ये अरुआ चाउल नहीं जो गुंड हो जाए अरुआ चाउल भी नहीं पारे। तो मुझे छोट ग्लास मेजर करके नहीं दुई ग्लास अरुआ चाउल आ गोटे ग्लास नहीं बिरी मुझे चोपा छड़ा बिरी यूज करें चोपा लगा बिरी भी यूज करें आठ नहीं गोटे चामच जुआणी जुआणी जगार आप कला जीरा यूज करें आ लुण ये बिल्कुल ऑप्शनल अच्छी आपने चाहिए ए लुण दे पारे ना स्किप करेंगे। अरुआ चाउल को मुझे दुई रु तीन घंटा पानी बतुरैक भलसे धोईकी गोटे कटन कपड़ा उपरे सुखापी बिछे देती आए सुखापर ताक पूरा खरारे सुखे बस फैन तले जमी पानी तक सुखब बस से जाए सुखेबी आखे सारापर मुझे एमती ग्राइंडर में ग्राइंड करते पाइबे से नहीं पारे आप जी दरकार आपड़ से नहीं पारे बास बिरी को ये देखिक ने कहीं बिरी देदे बेस पाणिया हो जमी अटा को चपटिक डो बना बास यू से बनने तो ये मुझे बिरी दे हाथ में भलसे मिक्स कर पूरा जमी चाउल अटा जमी प्रस्तुत हुए रुटी आप अटा जमी प्रस्तुत करती किसी पिठा बनवाई जमी अटा चकटती या पूरा से चपटी ने तो मुझे या पूरा भलसे चपटी नौ अटा ए चपटी के पूरा पूरी रेड कर सारी नाड़ी बनवा भितर अटाटा सुखीज तो से अल्प टे तेल देदेज हाफ चमच तेल आपको एमती टे चार लगे ने जहाद्वर अटाटा सुखबनी मुझे पूरा भलसे तेल मारी नहीं तो ये आम नाड़ी बनवा आगे हाथ में एमती टे तेल मारी ने जहाद्वर अटाटा आम हाथ में लगे ये अल्प टिके नहीं नाड़ी तो देखी थी आपण माने एटा केमती हुए तो ये सेप दे सब कुछ आपण मानक टोटाली भी बोरींग लगभग कहीं आम ए खेलु अटा को तो ये मत बिलकुल भी बोरींग लगुनि आपण मानक भी लगभग आशा कर तो यही मुझे सबको कर लंबा दरकार से भाई भाव काटे देखिपाले केते इजिली यहाँगला एमती आपरपे आपन को जो सेप्र दरकार आपड़ भाव एमपारे ये सब चकटी अटा को यही भाव नाड़ी बन प्रस्तुत कर सारी आपण मैंने देखी पारे मुझे गोटे प्रकार सेप्र एमती राउंड राउंड करसबू प्रस्तुत करने मत मात्र 10 मिनट लगेगा आपड़ी से टिप्स सब फॉलो करेंगे तो आपड़ बहुत कम समय करेंगे तो ये चलते जी नेक्स्ट प्रोसेस को छाणी मुझे नहीं कि तेल सब बेले रिफाइन तेल यूज करेंगे कहीं पूजा पर्व सब नाड़ी की आज पकई खाई सब डाली तरकारी बेसर महुर आप जहाँ भी करें तो से पक इजिली खाई तो से मुझे यूज कर रिफाइन तेल एवं मुझे गैस अन कर गरम हवाक देखिए गरम हो सारी मुझे केयरफुली नाड़ी की इसे पकई दूसरी तेल को पूरा धूआ उठवा जाए गरम करेंगे टी गरम हो सारे ये देदेवे एका थरे मध्ये दे परिबे किंतु एटी लंबा लंबा रही बनी सर एका थरे दे देले पूरा जाकी जाकी हे जबो सेति पई मोठी गोटी गोटी के देछि तो करी रे तेल जति की जगह हो जे अपन सही अनुसार देबे मु मध्ये एटी दे दे छि बेसी एका थरे देनी ताको मीडियम फ्लेम रे एमती छाड़ देबे जेमती के भीतर जो भल से सिझिबो मीडियम फ्लेम रे छाड़बे नले भीतर कंचा रही जबो तो अल्प ये हो सारापर जमी तेल रहा सैड हो तो ये आज स्पेस आसी जाए तो आउट गोटे देदे यही सैड करेंगे तो आपने देखिले मुझे आउ सब याक हवाक दबा हो सारे आम या सैड करवा आपण मैंने देखी पार्टी के बढ़िया देखा आपड़ जब थाली एमती उपरकू रखे तो यहाँ लगभग
କାହିଁକି ନା ଉପରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ବି ସେମିତି ତେଲ ଦେବେ ନହେଲେ ଏଇଟା ଶୁଖିଯିବ। ତ ୟାକୁ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହବା ଯାଏଁ ଏମିତି ପକେଇବା ବା ଏମିତି ଭଲସେ ଟିକେ ଛାଣି ନବା। ଏଠି ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହିଭଳି ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେଇଛି, ବେଶୀ ହାଇରେ ପକେଇବେନି ନହେଲେ ଏଇଟା କଲର୍ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କଞ୍ଚା ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପକଉଛି। ୟାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ତ ମୋତେ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଏହାର କଲର୍ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆକୁ ବି ମୁଁ କାଢି ନେଉଛି, ଆକୁ ବେଶୀ କରିବେନି ନହେଲେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। କେୟାରଫୁଲି ଆକୁ ଏବେ ଏମିତି ଛାଣି ନେବେ। ଏହାର ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଦେଇଥିବେ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଛାଣି ନେଉଛି। ନାଡ଼ି ଏବେ ମୁଁ ସବୁକୁ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଛାଣିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହାର କଲର୍ କେତେ ବଢିଆ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଏଇଭଳି ବନେଇ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ମାର୍କେଟରୁ କିଣୁଥିବେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତା ଭିତର ଏଇଭଳି ରୁହେ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ପୁରା ଏଇଭଳି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ବଢିଆ ଅଛି, ଏହା ସାଉଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଶାଢ଼ୀ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଥରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।